लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ विजिट्स बंद है, तो मुझे लगा मैं आपको एक क्विक टूर दे सकता हूँ। ये जो रास्ता है ये जा रहा है सीधा क्लिनिक को, और ये रास्ता जो है घर को जाता है। तो मैं आपको फिलहाल क्लिनिक वाले रास्ते से लेके जाता हूँ। हमारे क्लिनिक के भी दो भाग हैं, एक तो आउट पेशेंट एरिया है भाई, जहाँ पे बाहर से जो एनिमल्स आते हैं, लोग अपने पेट्स लाते हैं, उनका इलाज होता है। यहाँ पे इस समय डॉक्टर गुलशन है, आई थिंक साहिल मुझे दिख रहा है, जो ट्रीटमेंट के लिए लाए हैं वो तो बाहर हैं, और जो एनिमल है उसका अंदर इलाज हो रहा है। क्योंकि लॉकडाउन है तो इसलिए हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है, तो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, तो हमारे मॉनसून में भी कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। थैंक यू छवि। ये हमारा लार्ज एनिमल एरिया है, तो जो हमारे रेजिडेंट लार्ज एनिमल्स हैं कुछ, वो यहाँ पे रहते हैं। एक हमारा काउशेड पीछे है, ये हमारी सारी स्टरलाइजेशन कैनल्स हैं, तो ये इंसुलेटेड हैं, इनका एक इनडोर है एक आउटडोर है, ताकि डॉग्स जो हैं आराम से कंफर्टेबली रह सकें। ये हमारा जो लार्ज एनिमल काउशेड है, ये उनके लिए है जो एनिमल्स यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, नॉट रेजिडेंट। फिर ये सारे अडोप्टेबल डॉग्स हैं जिन्हें हम रिलीज़ नहीं कर सकते भाई, उनके तीन पैर हैं या ब्लाइंड हैं या ओल्ड हैं या एज पपीज यहाँ आए थे, सड़क पे सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कई बार साल साल रहते हैं जब तक घर नहीं मिल जाता। फिर ये जो सारी कैनल्स हैं, ये हमारी ट्रॉमा कैनल्स हैं, जो भी एनिमल्स यहाँ पे किसी इंजरी की वजह से आए होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये हमारा रैंप है जिससे गाय चढ़ती है गाड़ी में, और ये अब गाड़ी जा रही है मेरे ख्याल से टैक्सी को रिलीज़ करने। ये रास्ता जाता है हमारी कार पार्किंग, उस समय हमारी दोनों गाड़ियाँ बाहर हैं, नहीं एक्चुअली ये जीप एरी वैन ये खड़ी, आगे मेरी पर्सनल गाड़ी खड़ी है, और ये फूड फॉरेस्ट आ जाता है हमारा। तो फूड फॉरेस्ट में जो भी यहाँ के हमारे नेटिव ट्रीज हैं और प्लांट्स, ये बिच्छू वटी और लग गई मेरे हाथ पे, ये बाय द वे ये जो टर्माइट माउंड है ये यहाँ पे शुरू से है। जो सबसे ओल्ड हमारे नेबर हैं जिनका जन्म आज़ादी से पहले हुआ था, वो कहते थे टर्माइट माउंड तब भी था जब वो पैदा हुए थे। तो यहाँ पे ये एरिया अनडिस्टर्ब्ड है। हम वैसे तो पूरे फार्म में ही सॉयल रिस्टोर करते हैं, पर यहाँ पे खासकर कुछ भी गतिविधि नहीं होती। हमने कुछ फ्रूट के ट्रीज लगा रखे हैं, ये आड़ू लगे हुए हैं जैसे, साथ ही में यहाँ सिट्रस ट्रीज हैं, कुछ यहाँ पे ब्लैक बैम्बू लगा है, तरह तरह के ग्राउंड कवर्स निकल आए हैं, और हम पेड़ों को घना उगने दे रहे हैं, और जो सर्वाइव करेगा सो करेगा। ये जो आम का पेड़ है ये शुरू से है यहाँ पे, जब हम पीपल फार्म हमने शुरू किया था तब से है, और उसके अलावा हम पीपल फार्म में मेरे ख्याल से 400 से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं, और ये जो केले तो हमने बहुत ही लगाए हैं, इस पर फ्रूट भी आ रहा है। ये जो रास्ता है इस पर सबसे पहले हमारा चूल्हा पड़ेगा। ये एरिया अनडेवलप्ड है। चिली हमारा रेजिडेंट डॉग, ये दिल्ली से हमारे साथ है, चंबी जी, ये हमारा चूल्हा है। सुबह यहाँ पे काम होता है, और अब 5 बजे के बाद अपस्टेयर्स जो है पहले हमने वॉलेंटियर्स के लिए बनाया था, अब एक कमरा यहाँ स्टाफ के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी कमरे जो हैं प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। ये फार्म के साथ ही कुछ नए हम मड बंगलोज बना रहे हैं, कुछ लैंड है जो हमने लीज किया है। यहाँ पे हम नोटिल नहीं पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे हैं, हम मिलेट्स उगा रहे हैं, सोयाबीन उगा रहे हैं, जे जो हमारे फार्म मैनेजर हैं वो ये सब कर रहे हैं। ये कम्बूचा रूम है, ये राइट साइड पे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है, सबसे वहाँ एंड में प्रोडक्शन रूम है, पर इस समय बंद है क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ फर्स्ट हाफ में होती है। यहाँ पे ये जो कमरा है हम गर्मी मेंटेन रखते हैं, क्योंकि कम्बूचा को 25 से 30 डिग्री पसंद रहता है। ये जो घर है ये ट्रेडिशनल हिमाचली घर ही हमने मिट्टी का बनाया है, तो ये जो रूफ़ है ये स्लेट की है। ये स्लेट एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं कि भाई पानी नीचे ना जाए। हाउस टूर तो आई थिंक हमने इंग्लिश में डाला हुआ है, हिंदी में हम एक और डालेंगे। ये जो हमारी किचन है ये स्लेट की बनी है, इसमें कोई मोर्टार नहीं है। ओ प्रिया हमारी आर्किटेक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट्स ऑफिस है, शिवानी जी परमानेंट फिक्स्चर, साहिल, सृष्टि, इशिता, सलोनी। हमारा मीडिया ऑफिस रवीना, चैतन्य, वेनु, अमन, ईश, शुभम। तो ये सारा हमारा कच्चा घर चलता है, फिर इसके बाद हमारे रेजिडेंट शुरू हो जाते हैं। वो रेजिडेंस का बोर्ड मिस हो गया, यहाँ से हमारे रेजिडेंस शुरू हैं, जो का रेजिडेंस, शिवानी जी का, और जहाँ पे भी मेस दिखे थोड़ा दैट मीन्स कि आप मेरे कमरे की ओर अग्रसर हैं। तो ये थोड़ा प्राइवेट एरिया है भाई, थोड़ी प्राइवेसी तो हर किसी को चाहिए। इसके बाद हम योगा एरिया में पहुँच जाते हैं,
जो भी पहाड़ों पहाड़ उस साइड है नॉर्थ साइड, वहाँ से पानी जो आता है पिघल पिघल के, वो फार्म में जगह जगह हमने नालियाँ बना रखी है। ये हमारा योग एरिया है, नेचुरली इसकी एक बांसों की काफ़ी अच्छी छत है। और यहाँ पे जो हमने फ्लोरिंग भी करी है ना, ये पेट्रोल पंप वाली फ्लोरिंग है, जिसमें क्या है कि ये जो टाइल्स हैं ये सीमेंट में नहीं सैंड में लगी हैं, तो जब बारिश होती है तो सारा जो पानी है नीचे रिस जाता है, बिकॉज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इज़ अ बिग इशू। फिर अब हम जाते हैं बंगलोज की तरफ। ये पहले हमारा फार्म स्टे होता था, हम ये पहले रेंट पे देते थे, हमारी एक इनकम का स्रोत था ये, पर अब यहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है, हमारा स्टाफ, हमारी टीम इतनी बढ़ गई है कि हमें रेजिडेंस के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा, पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रेजिडेंट काउ शेड कौन सा है एंड कुछ और चीज़ें। ये हमारे रेजिडेंट चिकन्स हैं जिनकी आवाज़ आई है। ये रहा हमारा रेजिडेंट काउ शेड, ये हमारा आड़ू का एक और पेड़, हमने आड़ू के बहुत से पेड़ लगा रखे हैं। वो रहा हमारा चिकन्स का जो घर है, ये ऑटम है, ऑटम को भी हमने हाल ही में हमने रिलीज किया था। ये हमारा पीछे ग्रीन हाउस है, वो जो लैंड है खाली उसके अंदर जो हमारी रेजिडेंट गाय हैं वो कुछ समय दिन में घूमती हैं। फार्म में जो ये सारे बेड्स हैं ये हमने गाय के लिए घास उगा रखी है, हमने काफ़ी सारे एकर्स लीज पे ले रखे हैं जहाँ पे हम गाय के लिए घास उगाते हैं, पर वहाँ पे हमें बाकी सारे गाँव के साथ चलना पड़ता है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी घास शुरू कर देते हैं ताकि हमारे को थोड़ा टाइम घास मिलती रहे। उसके अलावा हमने बड़े सारे शहतूत के पेड़ लगा रखे हैं, वहाँ आपको दिखेगी हाथी घास लगा रखी है। ये पेरेनियल्स हैं जिनको हम काट काट के गाय को सूखे मौसम में भी दे सकते हैं। ये जो है यहाँ पे हमारे मोर स्टाफ क्वार्टर्स हैं। ये हमारा पुराना काउ शेड होता था जब हमारे पास सिर्फ दो चार गाय थी। इस काउ शेड को तो अब हमने स्टाफ क्वार्टर्स में अगेन कन्वर्ट कर दिया, रवीना यहाँ रहती है। ये जो हमारा ये सारा जुकीनी स्क्वाश लगे हैं, ये कीवी के पौधे लगे हैं सामने, नॉट एडिबल खजूर तो नहीं है, ये जंगली खजूर है, जगह जगह बीच में शहतूत। ये अब हमने कद्दू की बेलें लगा दी हैं। बाय द वे ये आईवी है, आईवी आपको दिखेगा कि हर जगह चढ़ जाती है, मिट्टी पे इसकी अच्छी पकड़ नहीं होती, पर सीमेंट वाली दीवारों पे और जाली पे आपको दिखेगा इसकी काफ़ी अच्छी पकड़। चलिए ये लगे सारी कद्दू की बेलें, ये सारा हमारा तन है, तन पे बेलें चढ़ जाएंगी और यहीं पे कद्दू घिये तोरियां फलियां लटकेंगी। तो काइंड ऑफ हमारी मिक्स्ड फार्मिंग चल रही है, हमने बेड्स बना रखे हैं जिन पे हम चलते नहीं हैं, बाकी हमने और पेरेनियल्स जो लगा रखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह जगह लगा रखे हैं। ये रसभरियाँ लगी हैं, इस समय तो इनका सीज़न ख़त्म हो गया, पर ये वैसे आपको हर सीज़न में नहीं लगानी पड़ती, एक बार लगा दिया और ये हर साल आपको फल देती हैं। तो मोटा मोटा तो यही टूर था, और अगर आपकी किसी स्पेसिफिक एरिया में दिलचस्पी है तो आप बताइएगा, उसके बारे में फिर अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।